क्या नाम है आपका? कहाँ प्रेमपाल रहते हो? शांति बिहारी थाना? थाना सुभाष नगर। तो क्या क्या समस्या है बताओ, क्या मामला हुआ? अरे वो सुनील नाम का ले गया था इनसे, वो ड्राइवरी पे 400 रुपया रोज, दिन में और रात में 400 अलग। बोले रात में चलवाएंगे तो 400 रुपया अलग देंगे, कौन और कौन कहाँ से ले गया? यहीं से शांति बिहार से ही घर से ले गया था। घर घर से ले गया? हाँ बुला के घर आप से, कैसे जानते हो उसे? यही घर में हमारे किराए पर रहता है। किराए पे रहता था? हाँ अच्छा, तो किराए पे कब से रह रहा था ये? किराए पर करीब उसको हो गए दो 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने। तो वो आपने दिखाना है वो मुझे उसको डॉक्टर। बच्चे बच्चे रखे थे उसने या अकेले रहता था? नहीं अकेला नहीं, वो दो तीन बच्चे उसके थे, उसकी बीवी थी। तो वो क्या काम करता था? काम यही है कि अपने माला उला डाल के जाके भीख मांग के खिलाता था। अच्छा, तो आपके बेटे को क्या कह के ले गया? जो बोला कि 400 रुपये दूंगा, मेरी गाड़ी चलाओ और मैं नखलऊ ले जा रहा हूँ, और नखलऊ से 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो लेके चला गया इधर गुजरात में। गुजरात चला गया? हाँ गुजरात में लेके चला गया, और हुआ जाएगी भावनगर में उसने हुआ मार दिया। 3-4 रोज बाद खून मिला उसका, तो उसने कही कि जे मुझे मार देगा मैं बचूंगा नहीं, तुमने ऐसा क्या उसने किया? फोन किया था? हाँ खून किया था। अच्छा, आपके लड़के ने? हाँ किसके लड़के ने मोबाइल पे किया था? अपने मोबाइल से अब किया था। यहाँ बरेली? हाँ बरेली किसके मोबाइल पे? हमारे मोबाइल पे। आपके मोबाइल पे? हाँ अच्छा, क्या कहा? जी कहा था कि जी हमारे लिए मार देगा बाबा, जी अब बचूंगा नहीं मैं, अब मैं क्या करूं? तो मैंने, अरे ऐसी कौन सी बात हो गई, ये तो यहाँ से बड़ा प्यार से ले गए, ये क्या बात भी ऐसी? बोले नहीं ऐसा है कि मेरे लिए मारा भी है और मैं कमरे में मुझे बंद रखते हैं और मुझे ले जाते हैं, तो संग ले जाते हैं, जहाँ जहाँ की भी ले जाती, तो समुद्र कुछ किनारे ले गए। एक दफ़े तो मैं हुआ अकेले बैठा रह गए, उसके बाद आए तो अच्छा लोग और हुआ पे थे, तो ये गाड़ी लेके उनसे भगा लाए। तो गुजरात में कहाँ पे गया था? गुजरात में करीब, गुजरात में है भावनगर, है भावनगर 200 किलोमीटर आगे है गुजरात से, थाना? थाना गोहा, अच्छा, थाना गोहा लिखा था। थाना गोवा? हाँ तो वहाँ पे ले गया था? हाँ तो आपको सूचना फोन पे मिली कि मतलब ये कह रहा था कि मार देंगे हमें? हाँ हमको सूचना नाम क्या फोन, ले रहा था वो? किसका ले रहा था नाम? नाम इसी का ले रहा था, सुनील का और उसके बाप का भी है कि ये दोनों है, जिनका तो एक नाम जानता नहीं, ये इसके साले हैं, ये कोई बहनों ही हैं, चार हैं ये। आप आपके आपके लड़के का फोटो है? फोटो हाँ फोटो है, दिखाओ जी, ये फोटो, हाँ जी है इधर वाला, जी वाला, ये जो इसके नाक वो लगा है नाक हाँ में, हाँ जी और ये बगल वाला किसका है? जी उसी का है, ये किराए पे बाबा जो रहा था बाबा बाबा। गोसाई। अच्छा, तो इसी इसी ने मार दिया? हाँ इसी ने मारा। तो आपने थाने गए आप पर? थाने गए, थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने कहा, वो दरोगा चौकी वाला था वो ले गया था, वो 20 किलोमीटर आगे है कि वो थाना, उसमें बैठे थे वो साहब, तो उन्हें ये कहा कि हम रिपोर्ट कोई नहीं लिखेंगे, हंस के और जो चले गए। हमने कि क्यों नहीं लिखोगे? बोले ऐसे जी अपने आप मरा है, जी है वो है, दुनिया भर की बातें पढ़ाए। नाम क्या जानते हो उसका? दरोगा? उसका नाम तो नहीं जानते। कौन ले गया था? चौकी में जो दरोगा था वो ले गया था हमें गाड़ी, अपनी गाड़ी उसी में बैठ के वो भी क्या नाम गया। है उसका? मुकेश नाम है उसका। अच्छा, तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? ना तो फिर उसके बाद आप फिर आप बरेली में आए? आपने कहीं गए अधिकारियों में? हाँ बरेली में गए सबके पास, SSP के पास गए, बालक जी सब पेश कराए, और उन्होंने क्या कहा? IG के पास गए हैं, उन्होंने क्या थाने कहा? भी 4 दफ़े गए, उन्होंने थाने वालों ने कह दिया हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जाओ यहाँ से भगाओ। थाने वाले? थाने शराब कौन से बोले थाने गए आप? हैं बरेली में कौन से थाने में गए? थाने सुभाष नगर गए। अच्छा, हाँ तो वहाँ मना कर दिया आपको? वहाँ मना कर दिया, 4 दफ़े गए, 4 दफ़े मना कर दिया, यह नहीं रिपोर्ट वपोर्ट लिखी जाएगी, अपनी वहीं लिखा हो जाए कहूँ कर। तो आपको पूरा शक है कि इन्हीं ने मारा है? हाँ पूरा हमें शक यही है कि इन्हीं ने मारा है। तो क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि हमारे मतलब जी लोग बंद करे जाए। अच्छा, जिनने जिनने मारा उनको बंद करा जाए, हाँ सजा मिले, सजा मिले। सही, क्या नाम है?
माया। आपका नाम माया है, हाँ कहाँ रहती हो? शांति विहार। शांति विहार। अच्छा, जो आपके जो हस्बैंड हैं उसका उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ सुनील गोसाई गोस्वामी ले गए उनको कहाँ ले गए? गाड़ी पे नकलम करके। आपसे आपके हस्बैंड ने कही थी कि हम जा हाँ रहे हैं? हाँ कितने बजे ले गए थे? घर ले गए ये थे 5 बजे। शाम के हाँ दिन में? हाँ तो आपसे क्या कहा? हमसे कही बाबा जी गाड़ी जा रहे हैं गोसाई सुनील की। फिर क्या हुआ? फिर भी ले गए नकलों को कहीं गए, और ना फिर ले जाने के बाद में 3-4 दिन ने बात भी नहीं कराई हमारी। 3-4 दिन के बाद बात कराई तो कही देखो कि हमने कहाँ पहुँच गए। बोले पता ना यहाँ कोई गाँव का सही है ना नकलों यहाँ ना है कहूँ अंता ने हमारी बात ना कराई। हमने की बात कर क्यों ना करी तो बोले बात ना कराई ने। तो मैं कहूँ समुद्र किनारे पहुँचे भापनगर कहूँ गुजरात में वहाँ पहुँचे ले जाए तो उनको मार दिया। मार दी? किन्ने मारा? सुनील गोस्वामी। अच्छा, उसके साथ उसके बाप मोहन नाम को बाबा। मरने से पहले आपकी कब बात हुई? हमारी उसी दिन बात हुई 8 बजे लो शाम के? ना सुबह की। सुबह के कब आठ की कब टाइम मतलब कितने दिन होगा वहाँ करीब लगभग? उसी दिन जैसे 21 तारीख को। 21 को? हाँ अच्छा, तो रो के कह रहे हमें बाबा ना छोड़ेगा हम कैसे आवेंगे घर। नहीं तो वही बाबा तुम्हें क्यों मार दे लेके गाओ तो हमने बाबा जी को नंबर लगा के कहे मैंने बाबा जी तुम्हें मारियो मत मगर तुम तनखा मत दियो मगर उन्हें लेके घर आ जाइयो। नन्हे नन्हे बाल हमने वाकई हाथ जोड़े फोन में मैं तब माने ना मानो। फोन पे बात हुई आपकी? हाँ फिर वो उनको नंबर बंद दियो बाबा जी को बंद दियो तुम्हारे अपनी बहू के फोन पर फोन करो। तो हमने बहुत नंबर लो तो हमने वहाँ से कि जो नंबर उनको तो बोलो हमने बोलो गुरु जी को हमने तुम्हारे आश्रम मारे गुरु जी को तुम्हारे पापा को हमारे पापा को तो उसके पापा भी संग में बहू संग में वो सबने मारे मिल के। अब हमें इंजाम मिला है और उसे सुनील गोस्वामी को पकड़ के उसे भूजा। तो आप थाने में गई क्या? थाने में गए। थाने में सुनवाई हुई तुम्हारी? ना क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने कही वो गुजरात का मामला गुजरात में रिपोर्ट हुई है। अच्छा, तो गुजरात में हुई रिपोर्ट? ना आप क्या चाहती हो? हम चाह रहे हैं बाबा को गिरफ्तार करके उसे भूजो उसे हमें इंसाफ दे बाबा। आपके उसका फोटो है अपने पति का? हाँ हाँ देखो ये। हाँ। सुनील गोस्वामी को जो उनको है। अच्छा, जिनके नाक में वो लगा हुआ है? हाँ। और ये बगल में सुनील गोस्वामी को। अच्छा सही, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रीति यादव है। प्रीति यादव। हाँ। ये कौन थे जो मतलब क्या हुआ था? जी हमारे भैया थे 14 तारीख। क्या नाम है? धीरेंद्र यादव। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ जी हमारे यहाँ कमरा पे किराए पे रह निकले तो एक रिश्तेदार वहाँ के सामने रहता हूँ उसने दिलवाओ कमरा। बब्बू और सुनील के बाप मोहन तीनों जने घर से लेके गए हमें खुद रास्ता में मिले हैं। अच्छा, तो हमने कहाँ जा रहे थे कि गाड़ी पे जा रहे हैं गाड़ी पे लाइसेंस तो है ही ना तुम पे तो कहीं लाइसेंस ना जा कर फोटो कॉपी से काम चल जाए। वो नकलऊ जा रहे हैं तो नकलऊ जा रहे हो कई दिन में आओ कि 3-4 दिन में लौटा लावाओगे नकलऊ की जगह जो वहाँ गुजरात ले गो बाप ने। और मुझसे फोन करो हमारे फोन पे हमें रिकॉर्डिंग निकाली जाए कॉल डिटेल तो करो 50,000 रुपया दो 30,000 दो हमने तू तू वापस ले गए ले गए हो गई ड्राइवरी तो पैसे खाएगी तो करो पैसे ना दे तो देख लियो तुम्हारे बच्चों करम करो दिन दिन बात ना कराइए। अच्छा, माँ को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपकी बात हुई थी उनसे? हमारी बात वही हमारे भैया से हमने रात के 2 बजे हमें फोन करो 2 बजे से 8:30 बजे तक बात होत रही है और बाबा ने भी हमसे बात करी है माने सुनील गोसाई ने हमसे बात करते रहो हमसे पूछत रहो तुम्हारे भैया कहाँ है कहाँ है हम ढूंढ रहे हो वो गाड़ी में बैठ के उनके दही मार रहे हो। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले हमारे भैया को इंसाफ मिले हमारे 4 बालक है कहाँ मारे मारे फिर। ठीक,